बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमजरा। नाज़रीन, कराची की सड़क से गुज़रते हुए एक झूला नज़र आया जिसको एक कमज़ोर बाजू घसीट रहे थे। एक बुज़ुर्ग खातून इस झूले को रोड पर घसीटती हुई मुझे नज़र आई, जिसके बाद मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया कि इन कमज़ोर बाजुओं में क्या इतनी ताकत है कि वो इस वज़नी झूले को घसीट पा रही हैं। इनकी क्या मजबूरी होगी, क्या इनके हालात होंगे जिन्होंने इनको ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। नाज़रीन, कहते हैं ना कि वक्त और हालात आपको किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर देते हैं। आपके हालात आपको किस हद तक ले जा सकते हैं ये तो आप खुद जानते हैं बेहतर। आप ये देखें कि हलाल कमाने वाले किसी भी हद तक जाते हैं, अपनी हालत के इवज जाते हैं, अपनी जितनी ताकत होती है उसके बरक्स जाके काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो चार पैसे हलाल के कमा सकें। ये आप झूला देख रहे हैं, ये झूला कितना वज़नी है आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं अपनी सेहत के हिसाब से इसको एक हाथ से हिला भी नहीं पा रही, और एक बुज़ुर्ग खातून इसको कई मीलों दूर से घसीटती हुई लेकर आ रही हैं। मौसम कैसा भी हो, हालात कैसी भी हो, तड़कती धूप क्यों ना हो, चिलचिलाती लू क्यों ना चल रही हो, लेकिन अम्मा जी ये झूला घसीटती हुई रोडों पर चलती हैं ताकि वो चार पैसे अपने इज्जत के, अपनी मेहनत के, हलाल के कमा सकें। अम्मा जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से हालातों ने उन्हें इस मजबूरी इतना मजबूर कर दिया कि वो इस काम को करने पर अपनी सेहत को भूल गईं, अपनी हालत को भूल गईं, कमज़ोर हड्डियों को भूल गईं। आइए अम्मा जी से बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाती चलूँ कि आप ये चारपाई दे सकते हैं। ये चारपाई भी उसी झूले पर रखी हुई होती है। आप ये देखें कि इस चारपाई को जोड़ने के लिए, इस चारपाई को सलामत रखने के लिए किस किस तरह से इस पर कपड़े बांधे हुए हैं कि ये जो चारपाई है ये सलामत रहे और ये अपना गुजर बसर जिस तरह कर रही हैं करती रहें। इन्होंने ये भी बताया कि अक्सर ऐसा भी होता है कि ये रोड पर ही चारपाई बिछाकर सो जाती हैं। क्या वजूहत है, कौन है इनके साथ, कौन नहीं है, इनका घर बार किधर है, इनके अपने किधर हैं, किस वजह से ये काम करने पर मजबूर हुई हैं, आइए जानते हैं इनसे। है ना, ये हाथ पत्थर हो गए भाई, ज़रा देख लें आप लोग, ये बच्ची हाथ लगा के दिखा देगी आप लोगों को। ये हाथ पत्थर हो गए, ये पैरों का दर्द बंद नहीं हो रहा। बैठी हुई हूँ, करती हूँ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह इसको भी खुशियाँ दिखाए, अल्लाह पाक इसको बुलंद तरन रखे। मुझे पूछने तो आई बेटा, कोई पूछता भी नहीं है आकर, कम से कम इस बच्ची ने मुझसे बात तो करी, मेरी गुर्बत देख के भी मेरे पास बैठी है, वरना चरपाई से लोग दूर जाके बैठते हैं।